गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन होप यू ऑल आर गुड दिस इज इंग्लिश टेक्स्ट कम वर्क बुक ओपन पेज नंबर फोर फाइव फोर्टी फाइव वी आर डूइंग यू वर्ड फैमिली एंड सी दिस इज यू यू की साउंड क्या होती है अ एंड दिस इज डी डी की साउंड क्या होती है ड यू और डी को मिला के क्या साउंड बन रही है अ ड अड तो अट साउंड के कुछ वर्ड्स हैं बी बी की साउंड क्या होती है ब अट बड बड मतलब जब फूल खिलने से पहले ऐसा होता है ये बड होता है इसको हम बड बोलते हैं फिर इससे क्या होता है फिर ये खिल जाता है और इससे फ्लार बनता है एंड नेक्स्ट इज एम म एम की साउंड मट मड Mad, मतलब मिट्टी एंडर इज यू अ अ यू साउंड म अम यू और एम को मिला के क्या बन गया अम um. अब अम um साउंड के कुछ वर्ड्स हैं जी जी की साउंड क्या होती है ग ग अम um, गम ग अम um, गम गम क्या होता है गम हम आ, किसी भी आ, जो फटी हुए पेपर्स होते हैं उनको हम पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं गम एंड नेक्स्ट वन इज एस एस की साउंड क्या होती है स स एम, सम सम मतलब क्या होता है ऐड करना प्लस करना जैसे यहाँ पे क्या हुआ है टू और थ्री को हमने प्लस किया क्या कितना आ गया फाइव दिस इज कॉल्ड सम नाउ हेयर इज यू You की साउंड अ एन न अन U और एन को मिला के क्या साउंड बनती है अन एंड आर फ्यू वर्ड्स ऑफ अन साउंड साउंड क्या होती है ब, ब अन बन बन क्या होता है बेटे ये एक ब्रेड होता है आप खाते हो हम सब खाते हैं बन एंड नेक्स्ट वन इज एन एन की साउंड क्या होती है न न अन नन नन क्या होता है नन एक वुमेन होती है जो हमेशा भगवान की भक्ति करती रहती हैं और ये कभी आ, कभी भी लाइफ में ये शादी नहीं करती एंड हेयर नेक्स्ट इज आर आर की साउंड क्या होती है र र अन रन रन मतलब दौड़ना एंड दिस इज एस S की साउंड क्या होती है स, स अन, सन सन क्या होता है सूरज सूरज को हम क्या बोलते हैं सन नाउ टेक आउट पेज नंबर फोर सिक्स अब यहां पे आप देखो यू साउंड पी, प, प, पी क्या होती है प अप साउंड के कुछ वर्ड्स हैं पी यू पी पप क्या बन गया प अप पप पप क्या होता है डॉगी का जो छोटा बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं पप एंड हेयर इज सी सी की साउंड क, क, अप कप दिस इज कप नाउ नेक्स्ट इज एस स यू आर एस को मिला के कौन सी साउंड बनती है

सी सी की साउंड क्या होती है क, अट, कट कट मतलब कट करना एंड नेक्स्ट इज एच एच की साउंड क्या होती है ह, ह अट, हट हट क्या होती है बेटे झोंपड़ी झोंपड़ी को हम क्या बोलते हैं हट एंड दिस इज एन एन की साउंड दिस इज नट आई होप आपको यू साउंड वर्ड समझ आ गए होंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे